वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक राहुल गांधी का यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कई स्थानों पर स्वागत करेगी। पार्टी अध्यक्ष रायपुर में कांग्रेस के नए कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण करेंगे। पीसीसी के नए भवन में राहुल गांधी डॉक्टरों, व्यापारियों और आदिवासी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर क्राइटेरिया पर मोहर लग सकती है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीसीसी के नए भवन के आसपास सड़कों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। एसपीजी ने पूरे प्रोसेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है। साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के बाद किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रायपुर के दौरे पर हैं और कांग्रेस के नवनिर्मित भवन का वो लोकार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे राजीव भवन कांग्रेस का नया भवन है। करीब 80 साल तक कांग्रेस ने पुराने भवन में अपना कामकाज संभाला था, लेकिन अब नए भवन में पूरी जो चुनावी रणनीति है कांग्रेस की वो बनेगी। करीब 2:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो रायपुर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं जो तमाम एसपीजी की टीम है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। लगातार पुलिस के जो जवान है, करीब 500 की संख्या में पुलिस के जवान लगाए जाएंगे। और साथ ही जो अवंती विहार और जो ये मेन रोड है उसको बंद कर दिया जाएगा। करीब 12 बजे से शाम 7 बजे तक जो ये रोड है वो उसको बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। और खुद कल एसपी आईजी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है तो उस लिहाज से भी इनके दौरे को अहम माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये एक बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी आ रहे हैं, चुनावी रणनीति भी यहाँ से बनती है अब नजर आई। निश्चित रूप से ये वक्त है बदलाव का, और बदलाव की जो एक बयार छत्तीसगढ़ की जनता जो हम कांग्रेस के पक्ष में आ रही है उसको देखते हुए, और ये राजीव भवन जो आज जिसकी उद्घाटन माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा किया जाएगा, एक बहुत हम सब कांग्रेस जनों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। लगातार 80 साल पुराने कांग्रेस भवन के बाद आज हम लोग नए कांग्रेस भवन में आ रहे हैं, और इस कांग्रेस भवन से मंत्रालय तक का सफर हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार हमको बहुमत से जिताएगी। उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता क्योंकि एक तरह से चार्ज करेंगे राहुल गांधी की सीधे तौर पर, क्योंकि अगले साल साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो कितने अहम माना जा रहा है दौरा। देखिए, देश के युवाओं के जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन आज हो रहा है, और एक एक कार्यकर्ता जो है उत्साह से संचार हो चुका है, और लगातार राहुल जी का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो जो हमारे कार्यकर्ता है लगातार बूथ स्तर पे जाके काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस दौरे से बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।